subscribe my channel Disclose for Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello nation, this is Sujit Kundu and welcome you guys to my channel Disclose for Human. सो आज का जो रिक्रूटमेंट टॉपिक है वो है आईटीआई लिमिटेड रिक्रूटमेंट, जो कि बी बीटेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट निकला है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पे 60 पोस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट पे 50 पोस्ट। ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 25 सितंबर। सो चलिए मेरे वेबसाइट पे जाके इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं अपना वेबसाइट पे आ गया, आई विल गिव द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे आके आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहां पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इस पेज में मैं सब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में देता हूं। आप इस पेज में जाके मेरे जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में दिया हूँ आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज आईटीआई लिमिटेड रिक्रूटमेंट के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो रीड मोर करते और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो ये पेज ओपन हो गया। तो इस पेज में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक है आपका बीटेक और बीई वालों के लिए और एक है आपका डिप्लोमा वालों के लिए। तो चलिए पहले हम लोग असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग मतलब बी और बीटेक वालों के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग। इसमें तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका पोजीशन एंड पे। तो पे कितना होगा आपको पहले तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका 3 साल के लिए टेन्योर बेसिस पे आपको रखा जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी होगा वो होगा 15,000 और उसके सेकेंड ईयर में आपका सैलरी होगा 16,000, उसके बाद आपको 3 साल के लिए जो सैलरी मिलेगा वो 35,673 और आपको सब सुविधाएं मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60। तो क्वालिफिकेशन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो अगर आप ग्रेजुएट है सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केमिकल कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप ग्रेजुएट हो, तो इसमें से अगर आप किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आप जनरल और ओबीसी वालों में से हो तो आपको 60% मार्क्स होना जरूरी है और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू मतलब रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 58% मार्क्स होना जरूरी है। तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 28 ईयर्स फॉर द जनरल एंड ओबीसी। तो एज लिमिट है 28 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड फॉर जैसे कि गवर्नमेंट रूल के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट रहता है। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल का छूट है और 3 साल का छूट है ओबीसी के लिए। तो आपको जो पहले मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपको इस बेनिफिट्स दिया जाएगा ये बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, 12 CL मिलेगा, कंपनी रेसिडेंशियल क्वार्टर मिलेगा अगर अवेलेबल हुआ तो, ये सब इंश्योरेंस कवरेज सब मिलेगा। उसके बाद आपको जब आप परमानेंट हो जाएगा तो वो सब आपको इस फैसिलिटी सब दिया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपको ये तो जनरल कंडीशन उसका जरूरी नहीं, आप देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से कुछ जाने का जरूरत नहीं, मैं दिखा दूंगा कैसे आपको अप्लाई करने है। मगर ये डेट आप देख लीजिए, आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 सितंबर और आपको हार्ड कॉपी मतलब क्या कुछ भेजना पड़ेगा, क्या भेजना पड़ेगा वो आपको ये स्कूल डाउन जब करोगे तब देख पाओगे। तो देखिए पहले आपको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा फॉर द फेवर ऑफ आईटीआई लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर, उसके बाद उसको आपको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे ज़रूर आपका नाम और एड्रेस लिखेगा, तो इसको आपको भेजना पड़ेगा। और एससी एसटी वालों के लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं, उसको बस अपना जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। तो देखिए आपको एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ डीडी का ज़रूरत नहीं, ओबीसी के लिए कुछ नहीं बोला है क्या छूट रहेगा, ओबीसी के आपको डीडी काटना पड़ेगा, उसके साथ आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको फोटोकॉपी लेके भेजना पड़ेगा। तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी सेम है, आपको जो सर्टिफिकेट है उसको भेजना पड़ेगा, एक सर्विसमैन के लिए भी सेम है आपको सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स अभी नॉट स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा, जो आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट और कोसे गवर्नमेंट और पीएसयू में आपको एनओसी लेटर सबमिट करना पड़ेगा। तो
अब सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन होगा आपको इंटरव्यू बेसिस में, इधर तो बोला है इंटरव्यू बेसिस में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा के लिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये है डिप्लोमा के लिए। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका ट्रेनिंग के टाइम पे कितना पेमेंट मिलेगा। ये बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट। तो फर्स्ट ईयर में आपको पेमेंट मिलेगा 8000 एंड सेकेंड ईयर में आपको पेमेंट मिलेगा 8500। उसके बाद आपको 3 साल के लिए टेन्योर बेसिस पे रखा जाएगा। उसके बाद आपको टेन्योर पेमेंट मिलेगा 17537। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50। तो अभी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मगर हाँ, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 60% मार्क्स होना जरूरी है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 58% मार्क्स होना जरूरी है। तो एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपका फॉर जनरल पीपल इज 30 इयर्स। तो जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहता है, रिजर्व वालों के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5 साल का छूट है और 3 साल का छूट है ओबीसी वालों के लिए। तो जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दिया जाएगा। जैसे इधर देखिए, आपको इस सबका मेंटेनेंस किया जाएगा, करना होगा मेंटेनेंस इन सबका। तो बेनिफिट्स और पर्क्स क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपको प्रोविडेंट फंड का सुविधा मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, 12 डेज का आपको सीएल मिलेगा। तो अभी देख लीजिए इसका कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको पहले कैसे अप्लाई करना होगा तो वो मैं बाद में दिखाता हूँ, मगर जो पेमेंट क्या करना पड़ेगा वो अभी देख लीजिए। तो इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा 100 रुपये का। डिमांड ड्राफ्ट करके इस फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट को करना पड़ेगा ITI लिमिटेड NS यूनिट बेंगलोर। उसके पीछे ज़रूर अपना नाम और एड्रेस लिख देना। नाम और एड्रेस लिख के आप इस एड्रेस में भेज दीजिए। देखिए डिप्लोमा और बीटेक के लिए एड्रेस अलग है, देख लीजिए। अगर आप को देखना है इधर देखिए, ये बीटेक के लिए है और बीटेक के लिए जो एड्रेस है, ओपन हो जाओ, ये कहाँ गया, ये आपका बीटेक का एड्रेस और ये आपका डिप्लोमा का एड्रेस। तो देखिए बीटेक में इधर आपका एड्रेस का चेंज है और डिप्लोमा में देखिए दोनों अलग एड्रेस है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और फिलअप कीजिएगा। तो चलिए अभी डिप्लोमा में कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट लेके आपको इस एड्रेस में भेजना पड़ेगा। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं, मगर हाँ आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी भेजना पड़ेगा। और हाँ, डिप्लोमा में जो बोला है ये बीटेक में नहीं बोला था, डिप्लोमा में आपको जो मार्कशीट्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजना पड़ेगा। तो वो भी डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस एड्रेस में भेजना पड़ेगा। तो जैसे कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों के एक सर्विसमैन जैसे पहले बीटेक में था, आपको इसका सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो वहां से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और यही बस यही इस फॉर्म के बारे में। और यहां पर जो बोला है यहां पर इंटरव्यू होगा, तो देखते अभी आप भेज दीजिए। और अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए देखिए, अगर आप डिप्लोमा वाले में से अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो ये ओपन हो गया आपका डिप्लोमा के लिए, आप यहाँ से प्रोसीड करके अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप यहाँ पर मेल कीजिए और ये है आपका टेलीफोन नंबर। और बीटेक के लिए आप यहाँ पर स्क्रोल डाउन कीजिए और यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आप प्रोसीड कीजिए और अप्लाई कर दीजिए बीटेक के लिए। और अगर आपको ऑफिशियल साइट विजिट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इस ITI लिमिटेड का ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। तो ये है आपका ITI लिमिटेड का ऑफिशियल साइट। सो दैट्स इट गाइस, जिसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हैं जाइए अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो फॉर द अदर एस्पिरेंट, शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट द अदर पीपल नो अबाउट दिस नोटिफिकेशन एंड कमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी। I'll try my best to give the answer of that comments. And subscribe my channel, join this family. I'll post this type of video almost every day. So that's it for today. See you in the next video. Bye.